नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आई रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आलापुर तहसील अंतर्गत थाना क्षेत्र जहांगीरगंज में बावली चौक से मॉडर्न मऊ संपर्क मार्ग पर कुख्यात अपराधी खान मुबारक की जमीन, जो कि 8वीं सवा है, थाना जहांगीरगंज एवं आलापुर के मौजूदगी में कुर्क किया गया। देखिए जहांगीरगंज से राजेश की रिपोर्ट। आलापुर तहसील क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही, क्या मामला है सर? ये अपने जिले का टॉप 10 का अपराधी है खान मुबारक, उसके एक सहयोगी हैं रेहान, उनकी जमीन है, इस पर कार्रवाई हुई है। धारा 14(2) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में घाटा संख्या 371 है, इसमें लगभग 9 बीसवा रकबा इनका है, उसको कुर्क किया गया है और ये राज्य सरकार की जमीन हासिल हो गई है। इस पर किसी प्रकार की खरीद फरोख करना और क्रय विक्रय करना सही प्रकार से प्रतिबंधित है। ये जमीन आज राज्य सरकार को, इसको हमने SHO जहांगीरगंज से वोट दी है। कितनी कीमत सर बताई जा रही जमीन की? कीमत तो यहाँ लोग 2 लाख रुपये फुट बता रहे हैं, इस हिसाब से इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये होती है। आलापुर तहसील क्षेत्र में माफिया खान मुबारक की और कहीं कोई जमीन या उसके करीबियों की कोई जमीन कहीं? ये जमीन चिन्हित है, जिस पर धारा 14(2) की कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त सर कहीं और? अभी चिन्हित नहीं है सर। कहाँ कहाँ की पुलिस यहाँ पे आई हुई है, कहाँ कहाँ का पुलिस बल है? हमारे पास आलापुर की फोर्स है, जहांगीरगंज की फोर्स है, हंसवार से भी सवार है। अच्छा, कितनी वैल्यू जमीन की जान सक आपकी नज़र में है सर इस समय? अब जो रेट जो बता रहे हैं बाजारू मूल्य यहाँ पे 2 लाख रुपये फुट बता रहे हैं। आप देख रहे हैं रोड की जमीन है, तो इस हिसाब से इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये होती है। अच्छा अच्छा, ओके। यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत खेतासराय कस्बे में क्षेत्राधिकारी शाहगंज व थाना अध्यक्ष खेतासराय के कुशल नेतृत्व में मय फोर्स खेतासराय चौराहे से मेन रोड से होकर पूरा बाजार होते हुए गोला गली होते हुए पुनः चौराहे पर आ गए। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय कस्बे में मौजूद है, जहाँ क्षेत्राधिकारी शाहगंज के कुशल नेतृत्व में खेतासराय के पुलिस फोर्स के साथ कस्बे में आगामी त्योहारों को लेकर फ्लैग मार्च किया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आज न्यूज इंडिया के साथ राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर कालपी जालौन से है, जहां प्रेस क्लब कालपी ने वरिष्ठ पत्रकार की कोरोना से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता हेतु महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी कालपी जयंत कुमार को सौंपा। कालपी के वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता श्री राधा मोहन श्रीवास्तव उर्फ लल्ला मुन्ना की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। प्रेस क्लब कालपी ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पुत्र को नौकरी एवं पत्नी को पेंशन दिए जाने की मांग की गई। तो इस अवसर पर सतीश महाराज, पवनदीप निषाद, गौरव पांडे, कुलदीप, अनुप तिवारी, सानू, शरद खन्ना, शिवांग शुक्ला, कैफे राजा, शिवम गुप्ता, अरफान अंसारी, मारूफ, अमित यादव, पवन गुप्ता, योगेश द्विवेदी, अंकित गुप्ता, वासुदेव वर शर्मा, शिवपाल सोलंकी, अशोक तिवारी, आदित्य नगाइच, सभासद भारत सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखिए जालौन से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। हम पत्रकार साथीगण जो आज तहसील में एकत्र हुए हैं, एक हमारा भाई कोरोना बीमारी से उसका निधन हो गया है, उसके भरण पोषण के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन और उप जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें हमने मांग रखी है कि भरण पोषण में कम से कम 50 लाख रुपया सहायता राशि और एवं एक परिवार को नौकरी एवं पत्नी को पेंशन दिलाए जाने की मांग की। आदरणीय राधा मोहन श्रीवास्तव जी का जो निधन हुआ, उससे हम सारे पत्रकार दुखी हैं और सारे पत्रकारों ने आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को आज ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, साथ ही साथ उनके परिवार में जो उनकी पत्नी है उनको पेंशन दी जाए व भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का की सहायता राशि उन्हें प्रदान की जाए, ऐसा ज्ञापन हमने आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और ये चाहेंगे कि इसमें प्रशासन और शासन का सहयोग मिले। आज अच्छा लोगों के वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री राधा मोहन श्रीवास्तव जी की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है, इससे सब हम सब पत्रकार साथी बेहद दुखी हैं और शासन प्रशासन को आज एक ज्ञापन भी दिया है कि जिससे परिवार की आर्थिक मदद की जा सके। हम सब पत्रकारों ने शोक सभा भी आयोजित कर उनको शोक व्यक्त किया है और सारे लोग उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
और सारे पत्रकार साथी यथासंभव जो भी मदद होगी परिवार की मदद की जाएगी, शासन प्रशासन से भी मांग की है। जालौन के कालपी में विद्युत विभाग के खिलाफ जारी धरने का आज चौथा दिन। जी हां, शनिवार से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन, रोज की तरह आज भी कोई अधिकारी नहीं आया सुनने लोगों की परेशानियां। आज से समाज सेवी एवं सभासद प्रतिनिधि बरकत अंसारी ने शुरू किया अनिश्चितकालीन आमरण अनशन। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। आज ये धरने का चौथा दिन है और आज से आमरण अनशन शुरू है। अब तक आपकी सुनवाई के लिए कोई आया? अभी तक तो सुनवाई के लिए कोई नहीं आया है, लगातार आश्वासन मिल रहा है। अभी तक ज़िले के उच्च अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, लगातार हम लोग टच में अधिकारियों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। आज आपसे आपकी SDM साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने ये कहा कि आज हम जो है दोपहर में 3 बजे तक आपके अनशन पर आएंगे और आपकी मांगों को सुनेंगे और ज्ञापन भी लेंगे। उसके बाद आए या नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया है। और इनकी हालत कैसी है, ये धरने पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? जी काफ़ी अजीब सा लग रहा है, काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है और लेकिन मैं अपना ये आंदोलन जारी रखूँगा शांतिपूर्वक, क्योंकि महापुरुषों का यही रास्ता रहा है और यही उनका जो हथियार रहा है, यही मेरा हथियार है। चाहे गांधी हो, मैं उनका शिष्य, मेरे लिए उनको एक प्रेरणा है, और चाहे महापुरुष हो, उन्होंने इसी तरह आंदोलन चलाया। और आप आला अधिकारी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरी आला अधिकारियों से आज भी गुजारिश है, अपील है कि मुझे आश्वासन दिया था SDM साहब ने कि आज आपसे हम आके आपकी मांगों को सुनेंगे, आपकी इस दर्द को सुनेंगे, लेकिन 3 बजे का आश्वासन दिया था और अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता शाम तक आए, लेकिन इन पीड़ितों को इस देश में जहां खूबसूरत डेमोक्रेसी कहलाती है, जहां की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में मशहूर है, इस देश में एक शांतिपूर्ण आंदोलन में अभिव्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने का हक है और मैंने उसी तरह अपनी आवाज़ को उठाया, क्या उसकी सुनी भी नहीं जाएगी? उन महिलाओं के साथ, उन शहर के लोगों के साथ क्या कोई उनकी पीड़ा को सुनने को भी कोई तैयार नहीं? मांगों को आप ना माने, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप किसी के दर्द को सुनेंगे भी नहीं, और जो हुआ उस दिन हुआ है उसके लिए क्या आप सुनेंगे नहीं? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर आज आपके पास कोई अधिकारी वगैरह नहीं आते हैं तो आपका ये अनशन कब तक चालू रहेगा? मैं को इस आमरण अनशन को अनिश्चितकालीन कह चुका हूँ और मैं उसी तरीके से यहाँ पर रात दिन यहीं पर रहूँगा, और जो कार्रवाई नहीं हुई है उनको, उनके जो गुनाहगार हैं उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो ऐसा करिए, आला अधिकारियों से मैं कहता हूँ कि मेरे हुजरे में नहीं, कहीं पे रख दो, आसमा लाए हो ले आओ। इस अनशन द्वारा आपकी सेहत को भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में आपने कुछ सोचा? देखिए जनहित के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं, अगर वो आंदोलन शांतिपूर्व हैं और संवैधानिक तरीके से चले हैं तो मैं ये जानता हूँ कि मेरा इतिहास में लोग मुझे याद रखेंगे और इन दर्द जो लोगों के दूर हो जाएंगे, ये लोग मुझे दुआएं देंगे। और मैं तो ये कहता हूँ गुनाहगारों के लिए, उनको विरत कार्रवाई नहीं होती है, कि मेरे हुजरे में नहीं, कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ, ज़मीं पर रख दो। आप कहाँ ढूँढने जाओगे मेरे गुनाहगार? आप तो गुनाह का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। और कुछ कहना चाहते हैं? जी बस ये, और क्या कहना है, सब तो मैं कह चुका हूँ। मेरी जो मांगे हैं कि शहर की बिजली समस्या, जो सूत्री मांगे हैं, 18 सूत्री मांगे, उस पर आप समझ लें, देख लें, जो बेहतर लगे आप जो करने लायक हों वो कर लें, उसके बाद कुछ आप आगे जैसी आप लोग हमें बताएं तो कुछ हमारा दर्द तो सुन लें, उनकी पीड़ाओं को, महिलाओं की। जो आपकी 4 सूत्रीय मांग थी, 18 सूत्रीय मांग कैसे? देखिए शहर के लोगों ने और उस पर किया है विचार, जो बुद्धिजीवी थे,
और वो मांगे ऐसी नहीं है जो न मानने लायक हों, जैसे कि जर्जर तार हैं उस लाइनों को बदलवा लें समाज के। इस तरह से हर रोज़ जो है मांग बढ़ती चली जाएगी, आज 18 है कल 50 भी हो जाएंगी, लोग समस्या बताते जाएंगे, आप मांग बढ़ाते चले जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, उन मांगों को चार सूत्री जो है वही मेन मांगे हैं, ये तो अलग से मौखिक के रूप में कहने के लिए लोग बैठेंगे जो पूछला होगी। कमासीन के मुसीबा गांव के गौशाला में आए दिन बीमारियों से मर रही है गाय, दर्जनों गायों की हो चुकी है मृत्यु। जी हां, कमासीन के मुसीबा गांव के गौशाला में आए दिन बीमारियों से मर रही है गाय, दर्जनों गायों की मृत्यु हो चुकी है, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दे रहे हैं ध्यान। पूरा मामला जनपद बांदा बेबेरू तहसील अंतर्गत कमासीन के मुसीबा गांव का है, जहां पर मुसीबा गांव पर बनी गौशाला में आए दिन बीमारियों से मर रही है दर्जनों गाय, उनकी हो चुकी है मौत। आए दिन हो रही मौतों से परेशान ग्राम के लोगों ने व मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा ने खंड विकास अधिकारी कमासीन को दी जानकारी और बताया कि आए दिन गौशालाओं में जानवर मर रहे हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी से पूछा गया तो बताया कि हमने डॉक्टर को भेजा है और गांव में कुछ जानवरों का इलाज किया गया है, जो कि कुछ जानवर ठीक भी हुए हैं, और समय रहते पहले सूचना मिल गई होती तो कुछ कर पाते, और कहा कि अगर आप किसी लोगों को बीमारी की जानकारी मिले तो तुरंत सूचित करें, हम डॉक्टर व टीम के तत्काल भेजकर इलाज करवाएंगे। और यही बताया कि डॉक्टर से पता चला कि सर्रा नामक बीमारी से पीड़ित हुए हैं, जिससे कुछ जानवरों का इलाज किया जा चुका है, और बीडीओ साहब ने अपील की कि जिससे भी बीमारी के बारे में जानकारी मिले वह तुरंत सूचित करें। देखिए मकरा से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट। गांव की समस्या को लेकर उस पे क्या मामला है पूरा? अध्यक्ष जी ने अवगत कराया है कि गांव में हमारे अन्ना पशुओं की समस्या है, उन्होंने बताया कुछ गायें बीमार हैं और जो भी समस्या है बीमारी से संबंधित मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, उन्होंने बताया एक सर्रा बीमारी करके है जिसके द्वारा कुछ पशु पीड़ित हो गए हैं, तो उसका इलाज उन्होंने गांव में जाके मौके पे किया भी है, और आगे उन्होंने ये बताया है कि इस संबंध में अगर हमें समय रहते सूचना मिल जाती है, डॉक्टर साहब ने अवगत कराया है, तो हम पशु को बचा सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा, अगर आप लोगों के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है कि लगता है कि पशु को इस तरह की बीमारी है, तो आप मुझे या डॉक्टर साहब को अवगत कराएँ, मैं तत्काल डॉक्टर साहब को भेजूँगा और पशुओं का इलाज कराया जाएगा। तेथेबी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए यूं ही बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।